हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को हमेशा के लिए प्रेस रखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आपका भाई मोहम्मद हुमायूं ज़फ़र आपकी खिदमत में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा टॉपिक लेकर हाजिर है। आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स का बहुत ही खूबसूरत मॉडल इन्फिनिक्स नोट 11 की। इसकी हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, मुकम्मल रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। सारी मालूमात को शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस मुनफरद से यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को हमेशा के लिए प्रेस रख दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। और कोई भी दोस्त मतलूबा प्रोडक्ट हासिल करना चाहे तो हमारी वीडियोस को देखकर उनमें से कोई नंबर डायल करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ मॉडल की डिटेल हासिल कर रहे होते हैं और उनको वो मॉडल भी दरकार होता है, और वो मॉडल हासिल करने के लिए किसी भी वीडियो पर जाकर क्लिक करें, उसमें से नंबर निकालें और उस शॉपकीपर पर रब्ता कर लें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। आज हमारे पास इन्फिनिक्स का नोट 11 है, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। इसके 6.7 इंच फुल HD प्लस इन्होंने एमोलेड पैनल डिस्प्ले लगाया है, जो कि इन्फिनिक्स ने पहली मर्तबा इस तरह का काम किया है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। इस मॉडल में उन्होंने एमोलेड डिस्प्ले दिया है, जो कि हाई रेजोल्यूशन है, फुल HD है। सैमसंग जैसे बहुत बड़े बड़े फोन्स में रेजोल्यूशन के लिए अच्छे पैनल इस्तेमाल करता है, वीवो ने भी बहुत अच्छे पैनल इस्तेमाल किए हैं। इस तरह इन्फिनिक्स ने भी अपना ये कदम आगे बढ़ाया और अच्छे पैनल्स का इस्तेमाल किया है। इन्फिनिक्स ने नोट 11 में जो पैनल इस्तेमाल किया है, अभी हम उसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये फ़ोन में कौन कौन सी मजीद खसूसियात हैं। इसमें उन्होंने 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज भी दी है, और इसका जो प्रोसेसर है वो MediaTek है। MediaTek प्रोसेसर जो सा आजकल चल रहा है इन फोनों में, वो कम बजट फोनों में MediaTek प्रोसेसर यूज होता है, और कम बजट फोनों में MediaTek इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होती है, और ये गेमिंग फोन होते हैं, इनका जो चिपसेट इस्तेमाल करते हैं कम बजट में वो MediaTek ही इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो सा प्रोसेसर है वो हाई प्रोफाइल फोन्स में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत उन फोन्स की काफ़ी ज़्यादा होती है। ये फ़ोन ओपन हो चुका है और इसका प्राइस वगैरह भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और ये अभी आपको फ़ोन दिखाते हैं इसकी सारी डिटेल के इसके अंदर क्या क्या है। माशाल्लाह से ये फ़ोन है, इसका ये सिंपल सा बॉक्स होता है और ये फ्लोरसेंट कलर में, ये इन्होंने ग्रीन कलर में इसका ये टाइटल दिया है। इसके बैक पे इसकी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। इसमें उन्होंने मेमोरी दी है 128GB, 4GB रैम है, और प्रोसेसर हेलोजीन दिया है G88, और नेटवर्क सपोर्ट करता है 4G, 3G, 2G और GPS वगैरह, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिव। और इसमें जो सब 5000 mAh बैटरी बैकअप दिया है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है। 6.7 इंच इसका LCD डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, HD प्लस यानी कि अल्ट्रा HD के करीब करीब उन्होंने रेजोल्यूशन दी है, 1080+2400 ये रेजोल्यूशन मेजर है इसका। आगे चलते हैं, इसके अंदर उन्होंने कैमरा दिया है फ्रंट 16 MP ड्यूल कैमरा फ्लैश लाइट के साथ, और इन्होंने बैक कैमरा दिया है 50 MP प्लस 2 MP और विद क्वाड फ्लैश LED लाइट दी है, और सेंसर भी इसमें दिए हैं इन्होंने, काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है, और बहुत सारी खूबियों के साथ अभी हम इसको आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक माशाल्लाह, ये देखें ये फ़ोन है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको अभी ऑन करते हैं और फिर हम बात करते हैं इसके दिगर सेटअप की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फ़ोन ऑन हो चुका है, अभी हम इसको ऑन होने देते हैं और इसका सेटअप मुकम्मल करते हैं। हम इस पे बाकी सामान पे बात करते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या है। इसके अंदर इस तरह का ये कुछ स्टिकर्स दिए जाते हैं जो कि कोई कार आमदनी होते हैं, इस पे बार कोड वगैरह दिया जाता है जो कि IME नंबर, ये शॉपकीपर्स के लिए होता है कि वो इसको उतारें, और कुछ वारंटी कार्ड्स पर लग जाते हैं, और कुछ इस तरह के जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं बॉक्स के साथ साथ उनके ऊपर लग जाता है कि ये चेंज ना हो। ये देखें जी, $1 वाला जो स्टाइल है इन्होंने ये दिया है, ये देख सकते हैं आप,
कि ये इनका एक वाउचर है, बीच में से ये एक निकला है 1x गोल्ड, और ये कोई ख़ास नहीं है, आप इसको किसी भी मतलब किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टाइल के लिए अपने कवर के बैक पे इस तरह रख सकते हैं, जैसे आजकल वो ट्रांसपेरेंट कवर आते हैं लोग इस तरह कवर के अंदर रखते हैं, ऊपर अपना फ़ोन रख लेते हैं खूबसूरती के लिए, आजकल ये आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक इनका सिलिकॉन कवर है, ब्लैक कलर का, बहुत अच्छा कलर है, और काफ़ी इसमें ऊपर उन्होंने इन्फिनिक्स मेंशन किया हुआ है, और फ़ोन के कुछ स्टाइल वगैरह के साथ इन्होंने इसको तैयार किया। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया है, मतलब नॉर्मल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है, और ये इन्फिनिक्स का अपना वारंटी कार्ड है जो कि अभी मेंशन किया जाएगा, उसके ऊपर ये इस तरह का ये जो स्टिकर्स हैं ये लग जाएंगे, और आगे आता है इसके साथ फास्ट चार्जर गालबन महसूस हो रहा है, इसके साथ जो सा चार्जर है 15 वाट का ये फास्ट चार्जर है, और 15 वाट बहुत अच्छा चार्जर है, 3 एम्पेयर 15 वाट ये फास्ट चार्जर है, और साथ में टाइप सी डाटा केबल है, टाइप सी डाटा केबल है, और हैंड फ्री बीच में से फिर नहीं निकली, ठीक है। और ये चीज़ें, ये इसकी एक सिम इंजेक्टर होता है इसको सिम निकालने के लिए, माशाल्लाह डिस्प्ले बहुत अच्छा है, डिस्प्ले की मेन बात हो रही थी, जैसे तसव्वुर किया जा रहा था डिस्प्ले क्वालिटी वाकई वैसे ही बहुत अच्छा है, एमोलेड पैनल उन्होंने यूज़ किया और अच्छी रेजोल्यूशन के साथ है। इसको हम मज़ीद चेक करते हैं, देखते हैं रेजोल्यूशन चेक कीजिए, ये मैंने अभी लाइट इसकी ऑन की है, ठीक है, ये हम इसका कैमरा देखते हैं, इसकी स्पीड आपको चेक करा रहा हूँ, ये इसका कैमरा चेक करें, ठीक है, ये इसका वीडियो मोड आ गया, ये इसका कैमरा मोड आ गया, ठीक है, ये आप इसका HDR भी ऑन हो चुका है, ठीक है, कैमरा रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी है। कलर स्कीम देखें आप, देखें ये फ़ोन बॉक्स का कलर है, ठीक है, इस बॉक्स का कलर चेक करें, ये देखें कलर स्कीम को पूरी तरह प्रोमिनेंट करके फिर आपको दिखा रहा है, और ये काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन साबित हो रही है, और क्वालिटी में ये फ़ोन अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। ये देखें बजट बहुत कम है, इतने बजट में इस तरह की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50 मेगापिक्सल के साथ, और 4 LED फ्लैश लाइट के साथ इन्होंने ये फ़ोन प्रोवाइड किया है। ये भी हम उतार देते हैं और इसको मुकम्मल हम देखते हैं, 1000 mAh बैटरी बैकअप के साथ, और इसकी प्राइस है जो कंपनी ने लॉन्च किया है वो 29,000 गालबन 29,000 रुपया इनकी इसकी प्राइस है, और इनवाइस रेट, और 27,500 रुपये में ये फोन पीस अवेलेबल हो सकता है, डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे, अगर कोई मंगवाना चाहे तो वो रब्ता कर लीजिएगा, आपको ये फ़ोन पीस मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, नेक्स्ट वीडियो तक अपने भाई को इजाज़त दें। इन्फिनिक्स की प्रोडक्ट बहुत कम बजट में आती हैं, और ये काफ़ी रीज़नेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो दोस्त महंगे फ़ोन नहीं ले सकते या महंगे फ़ोन नहीं हासिल कर सकते वो इन्फिनिक्स को तरजीह दिया करें, इन्फिनिक्स बहुत कम बजट में बहुत अच्छे फ़ोन बनाने वाला इदारा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई को नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।